हेलो डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब कैफे सेजी चैनल। डियर फ्रेंड्स, जनरली हम खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हमारी एलपीजी गैस होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो नेचुरल गैस होती है इनका इस्तेमाल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये हमारी कुछ महंगी गैसें भी कंसिडर की जाती है, पर डियर फ्रेंड्स इनके ना होने की मौजूदगी में आज हम एक न्यू गैस बनाएंगे जिसका नाम है पेट्रोल गैस। डियर फ्रेंड्स, पेट्रोल गैस के लिए हम जस्ट सिंपली पेट्रोल और पानी का इस्तेमाल करेंगे। डिफेंस इससे जो गैस बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के, और डिफेंस ये बनाना बहुत ही ज़्यादा चीप है। डिफेंस अगर हम इसे कहें ये फ्री गैस है तो ये कहना भी इसके लिए गलत नहीं होगा। तो चलिए अब इसे बनाकर देखते हैं कि बनती कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी कोई भी दो पानी ड्रम बोटल्स की, और इसके अलावा पाइप की, और इसके लिए डिफेंस हम हवा के लिए यूज़ करें कंप्रेसर। डिफेंस यहाँ मेरे पास अभी छोटी मोटर मौजूद नहीं थी, इस वजह से मैं इस कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिफरेंस आप इसकी जगह जो छोटी पंप मोटर होती है 12 वोल्ट की, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंस ओके, तो जैसे भी हमें करना क्या होगा कि हमें इसके लिड में दो होल कर देने हैं, और यहाँ से इसके लिड में भी दो होल कर देंगे, और होल करने के बाद इन पाइप को उसमें से किस तरह गुजारना है मैं वो होल करने के बाद। तो डिफ्रेंस यहाँ हमने दोनों बोतलों में सुराख कर लिया है। डिफ्रेंस ये जो हमारी छोटी बोतल है ये हमारी पेट्रोल की बोतल होगी, और जो बड़ी बोतल है ये हमारी वाटर यानी कि पानी की बोतल होगी। तो डिफ्रेंस करना क्या होगा कि हमें सबसे पहले हम ये एयर हवा का जो वॉल्व है एक जस्ट आइडिया लेने के लिए उसे लगाने के बाद हम क्या करते हैं उसे बोतल के एक होल में से गुजार लेते हैं। डिफ्रेंस हमें इस फर्स्ट जो पाइप है हमारा, हमें इसे बिल्कुल एंड तक लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पाइप बिल्कुल एंड तक पहुंच चुका है। अब हमें करना क्या होगा कि हमें एक दूसरा पाइप लेंगे और उसे इसमें फ्रेंड्स दूसरे पाइप को इसमें डालने के बाद हम उसे बिल्कुल एंड तक अंदर नहीं लेके जाएंगे, हम उसे फिर सिर्फ इतना तकरीबन इस तरह इतना डिफरेंस रखेंगे कि ये हमारा पाइप बिल्कुल बॉटम तक और ये बॉटम से थोड़ा ऊपर है। डिफरेंस हमारी जो हवा है कि वो पेट्रोल के यहाँ से होने के बाद इसमें से फिर आगे हमें करना क्या होगा कि इस पाइप को बोतल के इस होल में फिट कर देना है। तो हमने सेकंड पाइप को क्या करना होगा कि हमें इस पाइप सेकंड पाइप को बिल्कुल एंड तक, यानी कि जो हमारा पहला पाइप था वो भी एंड तक, यहाँ से जो पहला पाइप होगा वो भी बिल्कुल एंड तक जाएगा, तो इसे भी हम एंड तक पहुँचा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस पाइप को भी एंड तक पहुंचाने के बाद हमें जस्ट सिंपली करना क्या होगा कि जो हमारा लास्ट पाइप होगा हमें उसे यहां लगाने के बाद फ्रेंड्स इस पाइप को भी हमें बिल्कुल पहले पाइप की तरह बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, इसे बिल्कुल बॉटम में लेकर नहीं जाना, और ये जो हमारा पाइप बचा है हमें इस पाइप को किसी भी बर्नर चूल्हे से लगा देंगे। तो इसके बाद जस्ट सिंपली हमें करना क्या होगा कि हमें इस कंप्रेसर का स्विच ऑन यानी कि इसका स्विच लगाने के बाद जब इसे ऑन करेंगे तो यहां से हवा होकर पहले हमारी छोटी बोतल में आएगी, यहां से पेट्रोल के अंदर होने के बाद पास ऑन होने के बाद वो हवा यहां से होकर पानी में जाएगी, पानी से होने के बाद वो हवा यहां से होकर जो हमारी गैस होगी वो हमें यहां से ऑब्टेन होगी। और डिफरेंस चले अब इसमें पेट्रोल डाल के इसे चेक करते हैं। I'm gonna go get some more.